अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल सही लगी। और दोस्तों जब भी आप YouTube पर सर्च करते हैं कि हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट, आपको इस तरह के हजारों वीडियोस मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ये सारे वीडियोस भी अगर देख लेते हैं तब भी जाके आप अपना एक फ्री वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं बना सकते, फ्री डोमेन के साथ और फ्री होस्टिंग के साथ। अगर आप इन वीडियोस को देखकर अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, बना लेते हैं, तो आइए मेरे चैनल पर आकर मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप नहीं बना सकते, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ये वीडियोस मैंने बहुत सी देखी जिनको देखकर मैंने एक भी फ्री वेबसाइट नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक अपना प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं फ्री डोमेन के साथ, और आपको होस्टिंग भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। जो कि होस्टिंग होगी वो अनलिमिटेड होगी, बैंडविड्थ वगैरह जो भी होता है वो सारा का सारा आपको अनलिमिटेड मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। जब भी बात आती है दोस्तों डोमेन की, तो दोस्तों लाजमी है कि आपको .com, .net, .us, .in ऐसे डोमेन्स तो फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर भी अगर आपको एक वेबसाइट चाहिए, अगर आप अपना वेबसाइट बनाना ही चाहते हैं, तो दोस्तों आपको फ्री वेबसाइट बन जाएगा, वो भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री होता है। आपको ना कोई चीज़ परचेस करने की ज़रूरत होगी, ना होस्टिंग, ना डोमेन, ना कुछ, सारा का सारा फ्री में मैं आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, वो भी एक आपके अपने डोमेन के साथ। दोस्तों काफ़ी लोगों के पास पीसी या लैपटॉप नहीं होता, बट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बट वो लोग समझते हैं कि पीसी या लैपटॉप के बिना वेबसाइट बनाना मुश्किल है, वेबसाइट नहीं बना सकते। बट आप लोग गलत हो, आप फ़ोन से भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को स्किप करते हुए मत देखिए, प्लीज, समझ नहीं आएगी और फिर नीचे कमेंट करोगे, सो प्लीज बिना स्किप किए देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेन को रजिस्टर करते हैं। तो इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है फ्रीनॉम। तो आपको URL में टाइप करना होगा freenom.com, freenom.com, और आपको इस वाली वेबसाइट पर चले जाना है। और जैसे ही आप इस साइट पर आ जाते हैं तो आपको सिंपली साइन इन के बटन पर क्लिक करके आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। आप इसमें अकाउंट बना लीजिए, गूगल के थ्रू भी आप यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस साइट में लॉगिन कर लेते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड योर न्यू डोमेन। तो आपको यहाँ पर वो टाइप करना होगा जो आपको डोमेन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसका नाम आपको, मतलब जो आपको डोमेन चाहिए वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ से कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ऑल इन्फॉर्मेशन, तो और मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। और टाइप कर देने के बाद आपको जस्ट सिंपली चेक अवेलेबिलिटी पर टैप कर देना है। और जैसे ही चेक अवेलेबिलिटी पर टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर सारे अवेलेबल डोमेन्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं .tk, .ma, .ga। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यहाँ से GA को सेलेक्ट करें, क्योंकि GA जल्दी अप्रूव हो जाता है, .tk, .ml शायद थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आपको यहाँ से GA को सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर गेट इट नोट दिख रहा होगा, तो आपको जस्ट सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल अप करके वहाँ पर एक चेकआउट होगा, आपको चेकआउट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। आपको यहाँ पर पीरियड पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर 12 मंथ्स सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। और आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और बार आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन पूछेगा, तो आपको अपने जीमेल या फिर अपने अकाउंट में एक बार फिर से लॉगिन कर लेना होगा, कन्फर्मेशन कर देना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी। तो आपको जैसे सिंपली यहाँ से पूरा फिल कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, कंपनी नेम यानी कि अपना साइट नेम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, जिप कोड आपका, जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आप यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को चेकमार्क देकर यानी कि टिक देकर आपको कंप्लीट ऑर्डर कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन, यानी कि आपका जो डोमेन है वो अब रजिस्टर हो गया है। तो आपको इस पेज को ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको रजिस्टर करनी होगी अपनी होस्टिंग, तो आपको दूसरे साइट पर जाना होगा। न्यू टैब ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आप टाइप करें प्रो फ्री होस्ट। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। profreehost.com पर आपको जाना है। और जैसे ही आप इस साइट पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइट का इंटरफेरेंस। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोफेशनल फ्री होस्टिंग, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया अनलिमिटेड होस्टिंग आपको मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ये सारा का सारा आपको अनलिमिटेड मिलेगा। तो आपको इस साइट में भी रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट बनाना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। आप लोग को रजिस्टर करना होगा।
आप जैसे ही रजिस्टर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज एक्टिव योर अकाउंट। तो आपको ये कह रहा है आपको अपने जीमेल को वेरीफाई करने को, तो आप अपने जीमेल अकाउंट पर जाइए, आपको एक मेल आएगा वहाँ पर, तो आपको उस मेल पर क्लिक करके उस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद आप जैसे ही इस अकाउंट में वापस वेरीफाई होकर आ जाते हो तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है कि क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपको जस्ट सिंपली क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट न्यू वेबसाइट, तो आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम देना है, आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट बनाना है, तो आपको जो भी अपने वेबसाइट का नाम देना है वो आप दे दीजिए। आप यहाँ पे जो अभी आपने डोमेन रजिस्टर किया था आप वो वहाँ पर लिख दीजिए, domain.ga मत लगाइए, जो आपने डोमेन में लिया है वो लगाइए, .ga बिल्कुल भी आप वहाँ पर ना लगाएं। और वेबसाइट नेम आप एंटर कर देने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके ezero.com को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको जस्ट सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। और जैसे ही आप यहां से ओके कर देते हैं तो आप यहां देख सकते हैं आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहां पर जो सिम ग्रीन कलर का आपको मैनेज दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का पेज आपके सामने होगा, तो जो कंट्रोल पैनल यहां पर आपको दिख रहा है आपको वो उस पर क्लिक करना है, आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है। और जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पर आ जाते हैं आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा पार्क डोमेन, तो आपको वो ढूंढना है, और ढूंढने के बाद वो पार्क डोमेन जब मिल जाए तो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप पार्क डोमेन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेरेंस मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ए वैलिड रजिस्टर बिफोर दे कैन बी पार्क, तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ से ये कॉपी करना है, जो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ आप देख लीजिए, आपको ये कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद अभी जो आपने डोमेन रजिस्टर किया था आपको डोमेन के साइट पर जाना है, यानी कि फ्रीनोम पर जाना है, और फ्रीनोम पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने डोमेन के पास एक मैनेज डोमेन जो भी है आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप फ्री मैनेज डोमेन पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट टूल, तो आपको वहाँ पे उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद नेम सर्वर्स, तो आपको जस्ट नेम सर्वर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर यूज़ कस्टम नेम सर्वर जो है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। और उसे सेलेक्ट कर लेने के बाद अभी जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसे आपको फर्स्ट नेम सर्वर में पेस्ट कर देना है, और उसी तरह से जो आपने कॉपी किया है वो सारे नेम सर्वर्स में पेस्ट कर दीजिए। और कर देने के बाद 1, 2, 3, 4 जो है सीरियल वाइज आपको खाली 1, 2, 3 जो नंबरिंग है वो आपको चेंज कर लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट छोड़ रहा हूँ, जैसा ये फिल है आपको वैसे ही सारे नेम सर्वर्स में फिल कर देना है, और फिल कर देने के बाद आपका जो डोमेन है आपको उसे एक बार सेलेक्ट कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद जस्ट सिंपली यहाँ पर पार्क डोमेन में आपको वो पेस्ट कर देना है, और पेस्ट कर देने के बाद एड पार्क डोमेन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड पार्क डोमेन पर क्लिक कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव नाउ एडेड ए न्यू डोमेन टू योर कंट्रोल पैनल, तो आपको जैसे सिंपली यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर फिर से आ जाना है। और आने के बाद आपको इस बार यहाँ पर ढूंढना है सॉफ्टवेयर क्लोज ऐप इंस्टॉलर, एक इस तरह का ऑप्शन होगा वहाँ पर, तो आपको उसे ढूंढना है और उसे ढूंढकर उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही वो ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतने सारे प्लगइन्स यानी कि ऐप इंस्टॉलर है, तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ से वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप वर्डप्रेस को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको पेज खुलेगा, तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ देख सकते हैं आप जो ये, तो अब आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है, जो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा आपको वही वहाँ पर रखना होगा, तो जो ये प्रोटोकॉल है उसको आप HTTP ही रहने दीजिए। नीचे आप कर यहाँ पर डोमेन पर टैप करके अभी आपने जो डोमेन रजिस्टर किया था जो .ga है आपको वो सेलेक्ट करना है, और वो सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे जो WP दिख रहा है उसे इरेज कर देना है, हटा देना है। अगर वो आप नहीं हटाओगे तो आपके साइट के डोमेन के बाद /WP जब तक ना टाइप करें आपका साइट आएगा नहीं, तो आपको उसे हटा देना है। और हटा देने के बाद यहाँ पर नीचे माई ब्लॉग में आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद और उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम यानी कि यहाँ पर अपना एडमिन यूज़र नेम आप रख लीजिए जो कि सिर्फ आपको ही पता होगा, और नीचे पासवर्ड भी आपको कुछ यूनिक रखना है जो कि कोई लॉगिन ना कर सके आपके साइट में। और वो कर देने के बाद आपको जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन कर देना है, और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो ये जो वर्डप्रेस की वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही सेकंडों में ये इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल सक्सेसफुली, ये जो फर्स्ट वाला URL है वो आपके साइट का URL होगा।
और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये रहा आपका साइट जो कि बनकर रेडी हो चुका है। और जो ये दूसरा यूआरएल है वो है आपके साइट का एडमिन यूआरएल। अब वो यूआरएल टाइप करके आप अपने साइट के एडमिन पैनल में लॉगिन हो सकते हैं और वहां से आप अपने पोस्ट लिख सकते हैं, अपने साइट को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये यूआरएल याद रहे आपको याद रखना है और आपका जो पासवर्ड है वो भी आपको याद रखना है। तो बस आपका साइट बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों आपकी वेबसाइट तो बन गई, बस अब आपको अपने वेबसाइट पर काम करना होगा। आर्टिकल्स लिखिए, एसईओ करिए, रैंक करिए, सर्च में लाइए, ट्रैफिक लाइए और खूब अर्निंग करिए। ये सब आपको आता है तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर नहीं तो नीचे कमेंट करिए, मैं इसके भी ट्यूटोरियल्स आपको दूंगा अगर ज़्यादा लोग पूछते हैं तो। तो बस उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बाय।